तो उसमें उस समय लिखा था क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, तो शुरुआत करते हैं क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। सुना है मर्द को दर्द नहीं होता तब मर्द नामर्द नहीं होता। सुना है मर्द को दर्द नहीं होता तभी तो हर आदमी मर्द नहीं होता। क्यों क्यों भाई? क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, न उसे चोट लगती है न उसके आंसू आते हैं, अगर आ गए तो दिखावे कहलाते, न वो चिल्ला पाता है न वो झल्ला पाता है, क्योंकि ऐसा करने पर पागल कहलाता है। अगर भूल चूक से कुछ दिल की बात जताए तो मजनू बन जाता है, अगर माशूक को खोने से घबराए तो आशिक कहलाता है। वाह रे दुनिया, तेरे शब्दकोश में मर्द कुछ ऐसा जाना जाता है। धूप लगी तब सह, चोट लगी तब सह, भूख लगी ऐसे ही रहे, तू मर्द है ना कुछ मत कह। परिवार का बोझ भी तू ही उठाएगा, आने वाले दिनों में बाप कहलाएगा, फिर जाने कितनी इच्छाओं को मारकर खुशी से परिवार चलाएगा, तुझे क्यों दर्द होगा? अगर हुआ तो तू थोड़ी ना मर्द कहलाएगा, न तू रोएगा न रुलाएगा, कठोर पत्थर बन जाएगा, जितनी भी चिंता हो तुझे किसी को ना जताएगा। अगर डर गया खुदकुशी की तो तू कायर कहलाएगा, मरने के बाद भी ना मर्द हो जाएगा। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, जीवन भर तेरे बच्चे को भी यही सुनाया जाएगा। अच्छा कुछ तो सच्चाई होगी जब लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, क्या वाकई दर्द के साथ वाला मर्द मर्द नहीं होता? जाकर पूछना किसी मर्द से, जीवन में कितना सहता है, संघर्षों की सूई से अपनी कहानी बुनता है, हर रोज परिवार चलाने के लिए क्या ना करता है, रोज मरता है, ताने सहता है, चिंता रहती है, सोच सहता है, पर फिर भी मर्द को दर्द नहीं होता। आग में जलता है मर्द, मोम सा जलकर रोशनी देकर पिघलता है मर्द, आंसुओं को पीकर पलता है मर्द, विघ्नों को हंस कर मिलता है मर्द, रिश्तों को कस कर थामता है मर्द, क्योंकि खोने का दर्द जानता है मर्द। मर्दांगी के नाम पर कहानी है मर्द, तुम नाप ना सकोगे इतना गहरा पानी है। आवाज क्या होता है, कैसे आवाज निकलता है इंसान का, क्या होता है आवाज, बोलता सबको ही है, गूंगा गूंगा वगैरह जो भी है, तो आवाज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आवाज। जिसके पास में आवाज है, आवाज एक बहुत बड़ा हथियार है मेरे हिसाब से, अगर इसको सही से बोला जाए, सही को डिलीवर किया जाए, सही तरीके से सोच के बोला जाए तो बहुत कुछ करवा सकता है आवाज। मतलब सत्ता पलटवा देता नेता लोग का यार, नेता के आवाज में क्या होता है, पावर होता है। उसी पर लिखे थे आवाज की, आवाज होता क्या है, तो बोल तो सब लेते हैं पर उसे आवाज नहीं कहते, राज खोल तो सब देते हैं पर उसे भी आवाज नहीं कहते, खिलाफत या शिकायत भी सब कर देते हैं पर उसे भी आवाज नहीं कहते। तो फिर आवाज आखिर क्या होती है, सवाल आता है सबसे पहले कि आवाज क्या होती है। तो आवाज वो है जो कानों को नहीं दिल को सुनाई देता है, आवाज वो है जो अंधेरे में भी दिखाई देता है, आवाज बेसहारों का सहारा बन जाता है, कभी कभी तो अपाहिज होकर भी चीतों सा दौड़ जाता है। कहते हैं कि आवाज कभी दबती नहीं है,
कहते हैं कि आवाज कभी दबती नहीं है, यह मशाल की वो लौ है जो धधकती रही है। बारिश तूफान आंधी पानी सब झेल जाती है, यह आवाज की वो कश्ती है जो मंजिल तक पहुंचाती है। इसे डुबोने की कोशिश बहुत सरेआम हुई है, मतलब हर बार तुम्हारा आवाज दबाया जाएगा, पर वो आवाज है ना सारी नाकाम हुई है। और आवाज के माध्यम भी अनेक हुए हैं, कभी कुछ भारी भरगम से आई तो कभी कुछ पन्नों के लेख हुए हैं। कुछ नक्सलवाद का किताब आता था पहले, उसको बैन किया गया, ऐसे ही बहुत सारे बुक्स है जो बैन है, तो वो बहुत बहुत मजबूती से उसको लिखा गया, एक राइटर का आवाज उसके बुक में होता है तो उसके लिए वो बेसिकली बहुत ज्यादा होता है। तो ये आवाज बना भी सकती है, मिटा भी सकती है, पर ये आवाज कहां मिलती है, आवाज कैसे क्रिएट होता है? जुर्म सहते आंखों में बनती है आवाज, दर्द सहते जिस्म से मिलती है आवाज, अनंत प्यार की निशानी है आवाज, परिस्थिति के वार की कहानी है आवाज, कभी ना भरते जख्मों की पैदाइश है आवाज, मजबूरी में समय की नुमाइश है आवाज, बोलने की चाहत है आवाज, जो ना समझे तो आफत है आवाज, दिल से दिल तक का रास्ता है आवाज, सबको एक रखने की दास्ता है आवाज। आवाज आजाद है पर बांध लेती है, अगर समझोगे तो ये जबा से नहीं आंखों से कहती है, दायरों के कैद से बाहर की चीज है आवाज, जो चाहे ये पा ले, इतनी खुशनसीब है आवाज। तो लोग सबकी सुनते नहीं इसलिए आवाज बनकर आया हूं, लोग सबकी सुनते नहीं इसलिए आवाज बनकर आया हूं, आवाज ही हूं, आवाज में ही समाया हूं। तो अब बातों को थोड़ा घुमाऊंगा, आवाज हूं, दिल से सुनोगे तभी समझ आऊंगा, जब अंतरात्मा के साथ सुनोगे तो सच सुनाई देगा, फिर अंधेरे में विश्वास रोशनी लेकर आता दिखाई देगा, बस सच कहते विश्वास की रोशनी में बढ़ते जाना। और हां, अगर मानते हो कि तुम आवाज हो तो सच और विश्वास का साथ कभी मत ठुकराना, जिस पल तुम सबसे अलग होकर दिलों तक सुने जाओगे। आवाज हूं, आवाज की तरह बोलता हूं, तुम आवाज बन जाओगे, तुम आवाज बन जाओगे। मैं हूं नारी, तेरी माँ भी हूँ, तेरी बहन भी हूँ, महबूब भी और तेरा नसीब भी, तो अब बता क्यों जब मैं तेरी जननी भी हूँ और तेरा खून, तेरे खून में लाने वाली अग्नि भी हूँ, तो क्यों भूला अपनी मर्दानगी भी और मतलब जवानी की भी, तू खुद को समझा मजबूत और उसे मजबूर, हाँ तू भूल गया फिर से उसकी चीख, क्योंकि तू भूला अपनी बेटी और अपना रखी, इसलिए तू छोड़ दिया उन्हें हैवानों के करीब, हाँ वो पानी ही तो है जो आज भी है उलझा, मैंने कभी मतलब ऐसे बोल के नहीं रखा है इसीलिए, हाँ तू भूल गया फिर से उनकी चीख, क्योंकि तू भूला अपनी बेटी और अपना रखी, इसलिए तू छोड़ दिया उन्हें हैवानों के करीब, हाँ वो पानी ही तो है जो आज भी उलझा है और कह रहा राम और रहीम, और उस दौरान हर मिनट हुई जाने कितनी सीता और फातिमा लाखों के हाथों रंगीन, उस दौरान हुई लाखों सीता और फातिमा लाखों के हाथों रंगीन, मत बोल खुद को तू दूर और मजबूर, तू क्या बताएगा, तू तो वो कायर है जिसे सच्चाई भी ना हुई कबूल, खुद को कहता है मर्द तो रोक उन 7200 नाबालिगों का दर्द, माना वो न तो तेरी सीता है ना फातिमा, पर कैसे धोएगा ये खूनी आत्मा, कैसे बुझा रहा हवस की प्यास के हर दिन हो रही तेरी बेटियों के हर दिन हो रही तेरी बेटियां लाखों के हाथों शिकार, मर्द है ना तो उठा तलवार और कर हैवानियत पर वार, ना आएगा काम हरा या भगवा, जब होगी नन्ही सी जान अगवा, ना आएगा वो नेता ना खेल का विजेता, ना लोगों का सेवक ना ही कोई दुनिया का देवक, जब सामने खड़ा होगा कोई भक्षक, तू ही बता कैसे काम करता है वो कानून, जब तेरे अंदर ही मर गया है जुनून, सर काट जो छुए तेरी राधा और भूले अपनी मर्यादा, न भूल होती किसी की ममता, न भूल न होती उसकी ममता, तो तेरा भी जीवन होता सादा, मत बना घरवाली, बना उसे पहले काली, कर उसकी पूजा, हाथ
हाथ कांपे, कर उसकी ऐसी पूजा, हाथ कांपे जब जब कोई छुए उसे दूजा। दे अग्नि परीक्षा सीता के संग, ताकि ना छुए रावण किसी सीता का फिर से अंग। कहाँ उलझा है दोजक की, दोजक के अंधेरों में, क्या खुद को भी गिनने लगा है उन बेदर्दों में। हाँ भूल ही गया है, हाँ भूल ही तो गया है तू अपनी हया को, जब भूला तू उस निर्भया को। पर भूलना, पर तब तू ये नहीं भूल पाएगा, मतलब मेरा ये मतलब था, जब सब लोग निर्भया को, आज सब अपने लाइफ में बिजी हो गए, अब सब लोग निर्भया को भी भूल चुके हैं, तो हाँ भूल ही गया है तू अपनी हया को, जब भूला तू निर्भया को, पर भूल नहीं पाएगा जब होगी तेरे ही काया हो। जब आपके घर की बेटी होगी तो लिटरली आपका पूरा लाइफ बीत जाएगा, पर आप उसको नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो पैदा तभी करना जब बचा पाओ अपनी परियों को, और भस्म कर सको उन सारी रंगरलियों को। वो भी चीख रही आज, उठा अपनी आवाज़, कर नया विकास, मिटा ये फाइलों की रिवाज, और कर हैवानियत पर इंसानियत का आगाज़। नदी के पास खड़ा था मैं, वो ठंडी सी हवा और गुनगुनी सी धूप के बीच। पानी गीली मिट्टी से टकरा रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही थी। गीली मिट्टी पानी में समा रही थी, मानो सारी यादें मिटा रही थी। दोनों के बीच एक पत्ता मिच रहा था, ना जाने किस पेड़ से बिछड़ा था, जो ना पानी का हो सका ना मिट्टी में हो सका। फंसे उस जंजाल में तड़पता बेहाल में, छूटना आसान था मगर पता कहाँ मैं कौन था। जूझता उलझता शांति सा मौन था, छूटना आसान था मगर पता कहाँ वो कौन था। भीड़ में चलता ढूंढता मैं कौन था, मगर जब पता चला खुद का, खुद में मैं निहाल था, ये दुनिया खुशहाल था, फंसे उस जंजाल में तड़पता बेहाल था। आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।